मैं और ध्रुव तो रेडी हो रखे हैं ना ध्रुव। मीनाक्षी का आज कुमाऊनी ड्रेस में फोटो लिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी गाड़ी लेने आया था अपने ससुराल में, अपने पास तो है नहीं। कल जाने का प्रोग्राम था घूमने का, बट कल मौसम बहुत ख़राब था तो जा नहीं पाया। सो अभी सामने रुका हूँ, यहाँ पर एक चाय की दुकान है, कल मैंने इसके पास चाय पी थी तो बड़ी प्यारी चाय इसने बनाई थी। तो मैंने सोचा यार अभी एक कप चाय इसके यहाँ से पीते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ। हाय बोलो। हाय, आप एक्साइटेड हो जाने के लिए? हाँ। हम कहाँ जाने, इधर देख के बताओ। कौन सी जगह पे? और क्या करोगे? जो गोल गोल है फिर पानी में चलती है, वो पैरों में चला रहे पानी में। मैं और ध्रुव तो तैयार हो गए, मम्मा को अभी टाइम लग रहा है ना। हाँ। जैसे नॉर्मली लगता है मम्मा को हमेशा। ओके आप और... चलो आप बैठो, मैं मम्मा को लेकर आता हूँ, ठीक है? इससे तो हम बस से घूमने जाती, बस से जाते, बस के ऊपर सामान भी रखते हैं। लेकिन हम बस में कैसे जाते इतने सारे लोग, हम इतना सामान कैसे लेके जाते बस में? नाना की दरवाजे पर था, मैं बड़े दरवाजा बस देखी, शायद बच्चों से नीचे उतर रहे थे, हम भी जाएंगे। तो वो तो स्कूल बस थी ना शायद। हाँ तो हम दूसरी बस से जाएगी। ओके मम्मी देखो ये घंटी है ना, नाना ने कहा था ना, और मामा ने ये लगाई घंटी पर जाने के लिए। चलो चलो अब निकलते हैं, चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज साल का दूसरा दिन है और आप सभी लोगों को, दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ। और इस नए साल में मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मेहनत करें अपने काम के प्रति और पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव के साथ साथ मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं करता हूँ। और फिलहाल आज हम जा रहे हैं सातल घूमने के लिए। पहले कल हमारी प्लानिंग थी जाने की, लेकिन कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो हम जा नहीं पाए। मौसम वैसे आज भी ख़राब है बट थोड़ा कम है, तो हमने सोचा यार चलो चलते हैं। और जाने से पहले ये डिसाइड भी नहीं था कि कहाँ जाना है, बट फिलहाल फिर हमने सोचा कि यार चलते हैं सीधा सातल चलते हैं, क्योंकि ध्रुव को वहाँ पर थोड़ा सा बोटिंग वोटिंग करनी है, इसको कुछ खेलना है। तो दोस्तों अभी हम ये काठगोदाम रोड पे पहुंच गए, यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर और है जहाँ हम जा रहे हैं सातल लेक। और 11:30 बज चुके हैं अभी, तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा सा चिप्स विप्स लिया है, थोड़ा व्यू के लिए जूस लिया है। अब सोच रहे हैं कि सीधा पहुंच जाए सातल लेक, तो वहीं कुछ नाश्ता पानी करेंगे, क्योंकि मीनाक्षी तो हमारी जो बीवी है उनको भीड़ वाली जगह पर पसंद नहीं रुकना, तो ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर कोई ना हो, सिर्फ हम तीन ही हो खाने के लिए, है ना ध्रुव? हाँ। सही कहा ना? हाँ। अब तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम पहुँचने वाले हैं, ठीक है? और ये सामने का नजारा देखिए कितना खूबसूरत है, सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। और अभी इस जगह पे हम लोग रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया कि कुछ चाय पाई पी लें, चाय नाश्ता कुछ कर लें। और थोड़ा सा गलत भी आ गया एक्चुअली, मुझे नीचे रानी बाग की तरफ से कटना था, 3 किलोमीटर में ऊपर एक्स्ट्रा आ गया हूँ, तो वापस अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, चाय वाई पीते हैं और देखते कुछ खाने के लिए क्या, इसके बाद सीधा वापस निकलेंगे 3 किलोमीटर पीछे और रानी बाग की तरफ मुड़ेंगे। और ये देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। कहाँ जा रहा है ध्रुव? तुम्हारी शरारतें कम नहीं होंगी, उधर मत जाओ बेटा, उधर पाँव फंस जाएगा ध्रुव। नहीं बेटा वो डांटेंगे ना, आपने कर लिया लेकिन आप मत करो आप, ठीक है? रोज हम रोज यहाँ पर थोड़ी आएंगे। ये यहाँ पर वो देखो अंकल को चला रहे हैं ना दोस्तों। जब आप सातल पहुँचेंगे तो यहाँ पर एंट्री करते समय आपको पर्ची कटेगी 50 रुपए की,
दो दोनों साइड का होता है ये। हाँ पापा तुम चलाओ। मैं चलाऊं? मैं बोट चलाऊंगा। देखो यहाँ कार पार्किंग है। कार पार्किंग है? हम वहाँ पार्क करेंगे वहाँ वहाँ। आराम से ना ऊपर तो ले गाड़ी एक मिनट टारगेट लो पहले आराम से मारो वो दिख गया ओ नहीं ध्रुव इधर देख से हाय देखा हम कौन सी बैठ में बोट बैठे ध्रुव हम पैडल वाली बोट में ना और मम्मा तो नहीं आई ना हमारे पास दोस्तों मैं और ध्रुव आए हम दोनों अकेले लेकिन मीनाक्षी ने कहा तो मुझे तो डर लगता है भाई मीनाक्षी को मैं कहा मैंने कितनी बार चलो 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 लेकिन वो डर के मारे उन्होंने मना कर दिया तो फाइनली मैं और ध्रुव हैं ध्रुव बैठ जा बेटा तो पाँव थक गए पैडल मारते मारते पहले बताओ कहाँ जाना मुझे बताओ बत्तख के पास चले चलो तो बत्तख के पास चलते हैं कूदने वाला वो ऊपर कूदने ध्रुव आपको बटन नहीं छेड़ना कुछ आप अपने हिसाब से बताओ ऐसे सिस्टर मैं अगर आपको बताऊं तो दी आराम तो ये है नहीं नहीं सांवला सा नहीं नहीं दी इसी वजह से देखिए दी आप पे दो कलर जैसे थे एक तो आप अगर ले लीजिए मैरून में ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे या आप ले लीजिए एक रेड ड्रेस में यही तो कह रहे हैं कि या तो मैं अपने हिसाब से बताऊं या तुम अपने हिसाब से दो ऑप्शन है और ये मीनाक्षी का आज कुमाऊनी ड्रेस में फोटो लिया जा रहा है मैंने यार चलो आज खिंचवा ही लो ये पीछे से नहीं सब सही है मैम पीछे से नहीं आएगा फोटो आगे से नहीं नहीं थोड़ा अजीब लग रहा है हाँ मैम वो थोड़ा पीछे से दूर रखते हैं ना मैम वो ऐसे कमर पे होल्ड कीजिए ये हाथ छोड़िए ये हाथ ऐसे ये हाथ यहाँ हाँ बस सामने देख लिया हाँ और बेटा सुनो ध्रुव को आपको वहाँ कोने में नहीं जाना बस ठीक है बीच में रहना है ठीक है थोड़ा मेरी तरफ आओ पापा की तरफ आओ थोड़ा सा इधर आओ थोड़ा और आगे आओ बस 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 आपको यहीं रहना है ठीक है ध्रुव ताकि आप बाहर ना गिरो ध्रुव कोने में मत जाना मेरा बच्चा भैया को सेंटर रहने बोल के बीच में ठीक है उसी पे चल रहा है कंटिन्यू एक मिनट वेट भैया भी आ रहे हैं कैसे घोड़ा बन के चलते ना भैया दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ टाइम अभी 3:30 हो गया है और काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का ध्रुव ने बहुत मज़े करे उसने वो सारी चीज़ें करी जो उसको करनी थी और अभी तक तो यहाँ पर मौसम ठीक है धूप है बढ़िया धूप आ रही लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि हम जैसे जैसे नीचे पहुँचेंगे मतलब हल्द्वानी पहुँचने पर
या हल्द्वानी से आगे हमें हो सकता है कि कोहरा मिले, खासकर काला लुंगी, रामनगर और काशीपुर वाली रोड पे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अंधेरे पहले होने से पहले पहले हम लोग एटलीस्ट रामनगर के पास पहुँच जाएँ। वैसे तो अभी 3:30 हो रहा है, पहुँच जाएंगे आराम से। तो दोस्तों वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं दोबारा आपसे ऐसी किसी वीडियो में।